तो सले के तो 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 हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो के साथ हम सभी को इश्क है अपने इस इश्क में हम सबकी ख्वाहिश है कि आप वसल्लम का दीदार हो जाए तो हम इस ख्वाहिश के तहत बुजुर्गों के पास जाते हैं उनसे दुआएं कराते हैं कि आप दुआ कर दें कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हो जाए दो तरीके से हासिल हो, हो सकती है ख्वाब में और जागती आखों के साथ ये जो जागती आंखों के साथ निदार है बेशुमार नेक लोग दुनिया में गुजरे हैं ओलिया कराम गुजरे हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त फरमाई और ये एज़ाज़ बख्श दिया कि वो वल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुली आंखों के साथ दीदार कर सके वो लोग औली हैं नेक लोग हैं बातिन से साफ हैं, लेकिन मुझ जैसा गुनागार आदमी जब कोई ये ख्वाहिश करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है इंसान वली गुजरे हैं अहमद बिन मुबारक उन्होंने अपने मुर्शीद साहब से ये सवाल किया कि लोग दावे करते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली आंखों से आपका दीदार किया तो ये किस तरह से पता चले तो खुद ही अपने सवाल के जवाब में जनाब अहमद बिन मुबारक साहब ने फरमाया कि कहा यह जाता है कि कोई वही अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर नहीं सकता जब तक के रूहानियत के 2999 मकामात की सैर न कर ले तो फिर या तो ये पूछा जाए ऐसे आदमी के जो दावा कर रहा है कि उसने इन दो हजार नौ सौ निन्यानवे की सैर की है या नहीं की है और ये चेक करने के लिए कि वो ध्यानदारी से कर रहा है या मामला उसके बरक से तो उससे पूछा जाए कि तुमने क्या क्या देखा तो उनके मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का था बहुत खूबसूरत जवाब था बात यह है कि हम इंसान हमारे जिस्म में तीन सौ छियासठ रगे हैं थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स रगे हैं और हमारे अंदर जो खसाइस पाए जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वो सबके सब, सब रगे इन खसाइज के साथ मुतालिक कहीं ना कहीं जब कोई साहब कश्फ इंसान दूसरे इंसान को देखता है ये कश्य शख्स कह है ये जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कश्य में मुख्तल किस्में हैं तो ये कश्य शख्स में आता है तो साहब कष्ट ने अगर किसी इंसान पर नजर डाली तो उसके अंदर उसे ये रगें बड़ी नुमायां दिखाई दे रही होती है अब इनमें एक रग वो है जो झूठ की है झूठ से मुतालिक है झूठ कई किस्म का है एक झूठ वो है जो मैं बोलता हूं एक झूठ वो है जो बदगुमानी है एक झूठ वो है जो मैं किसी को झूठा समझ रहा हूं गर की कब झूठ जूट झूठा नहीं है एक झूठ की किस्म ये है वर्गें रोशन दिखाई देती है उसको साहब कश को तो यूं आपने देखा होगा कि जब आप कराम के जात पास जाते हैं तो उनमें से कोई कोई अल्लाह आपको कह देता है कि मैं रात शलियम गोश्त इतना नहीं खाना था आदमी हैरान होता है कि इसको किस तरह पता कि रात मैंने क्या खाया था वो उसके रक्त देख रहा है आपकी और उसको देख के उसे उसके अंदर वो सहार और बर्दाश्त नहीं है बोल पड़ा है ये और बात है कि बहुत ऊपर के दर्जे का अगर अल्लाह है तो कश्म में सब कुछ देखता है लेकिन वो कभी कहता नहीं किसी से कि तुमने ये किया लोग गाना सुनकर आते हैं रात आधी रात के बाद और गुजरते गुजरते उस किसी वली अल्लाह के पास गए तो उसको कहते हैं कि साहब मैं असल में तहजद पढ़ने आया था यहाँ तहजुद पढ़ के अब घर जा रहा था सोचा आपको सलाम कर लूँ वो देख रहा है कि आप गाना सुन के आए हैं वो कभी नहीं कहेगा तो ये भी नहीं कहेगा कि हाँ तुम नमाज पढ़ के आए इसलिए कि वो झूठी गवाही नहीं दे सकता वो बड़ी खूबसूरत खुँचु, खूबसूरती से कह रहेगा मियाँ बड़ी अच्छी बात है तहज पढ़ना तोहज पढ़ा करो अब आप मेरे जैसा इंसान ये समझा के मैंने चक्कर दे दिया उन अल्लाह को तो उन्होंने मेरी बात को यकीन कर लिया है इसलिए कह रहे हैं कि हाँ तहज पढ़ना अच्छी बात है तज पढ़ा करो दर कर, वो नसीहत मुझे कर रहे हैं कि तहज पढ़ा करो जाके तो जो बड़े मकाम पर चले जाते हैं और क्राम उनमें सहार और बर्दाश्त बहुत होती है वो किसी के झूठ को ना पकड़ते हैं ना जतलाते हैं कि हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो लेकिन वो इंसान क्योंकि जब उसे कशफ हासिल होगा कश्य के इस मकाम पर जाएगा कि कश शख्सी हासिल हो जाए तो जानना शुरू कर देगा क्योंकि ये कैश का मामला है बतजरी शुरू होता है बात ऐसा ऐसा आदमी आगे बढ़ता है तो रफ्तारा जब किसी वली अल्लाह पर रहमत फरमाता है उसको इल्म अता करता है तो कैश की उसकी इब्तदा आलम नासूत की सैर से होती है और वो आलिम नासूत की सैर भी यकलक नहीं शुरू होती बल्कि बहुत ग्रेजुअल होती है सबसे पहले वो अपने इर्द गिर्द की चीजों का मुशाहिदा करने लगता है उसके बाद वो समुद्र की गहराई में जो चीजें रहती हैं उनका मुताला करता है मुशाह करता है उसके बाद वो रूह जमीन पर जो चीजें हैं उनका मुशाह करता है तो आलिम नासूस से निकल कर फिर वो आलम जबरूत की सैर करता है तो जब वो आलम जबरूत की इसी तरह ग्रेजुअली सैर कर चुकता है तो वो आलिम मलकूत की सैर करता है फिर तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे गुजरता है मैं मौजू से हट गया होता ये है कि इंसान जब ये ख्वाहिश पालता है और कुदरती तौर पर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने आका का दीदार करूं तो फिर जरूरी ये हो जाता है कि खुली आंखों से अगर दीदार करना है तो इंसान अपने अंदर की सफाई कर ले आलाइशों को एक एक करके दूर करता चला जाए क्योंकि तो जब बिल्कुल अंदर से पाक साफ हो जाएगा तो फिर जब वो दीदार करेगा तो उस दीदार का मजा कुछ और है हर इंसान के अंदर अंधेरा है उस अंधेरे में अगर ये आलाइश रह जाए तो फिर वहां नूर दाखिल नहीं होता अगर ये आलाइशें खत्म हैं और इंसान के अंदर बदस्तूर अंधेरा है तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुली आंखों से दीदार करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फिर उस अंधेरे को दूर कर देता है वहां अंदर रोशनी फैल जाती है तो इसलिए दीदार की ख्वाहिश करना बड़ी अच्छी बात है जरूर करनी चाहिए लेकिन उससे पहले अंदर की आलाइशें निकाल लें हम कि अगर मेरी आलाइशें निकल सकें कभी तो फिर उस अंधेरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का नूर उन अंधेरों से तो मुझे निजात दिला देगा भी किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि जब इंसान शिदत से कोई दुआ बार बार मांगे तो कैसे पता चले कि उसकी दुआ कबूल हुई या नहीं हजूर मैंने अर्ज किया था कि जो चीजें पहले कई बार बयान हो गई अगर उन चीजों को मैं दोहराता हूं जब मुझे तो एतराज नहीं मैं दोहरा दूंगा मुझे तो मैंने तो आपकी समा खराशी करनी है एक घंटा मैं किसी तरह भी आपकी समा खराशी करता चला जाऊंगा लेकिन लोग बड़ी शिद्दत का करते हैं तो ये तो ये शुक्र कि किसी शान में एहतजाज करते करते मेरा घेराव जलाओ नहीं शुरू किया अभी तो ये जब दुआ के बारे में यहां गुफ्तु हो रही थी तो मैंने बड़ी तफसील से अर्ज किया था कि दुआ जब हम करते हैं तो उसके कबूलियत का मैकेनिज्म क्या है और मैं मुख्तरा अर्ज कर देता हूं इंसानी जहन के तीन हिस्से हैं एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड जब हम दुआ मांगते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से हम मांगते हैं दुआ इसलिए आपने नोट किया होगा कि इंसान जब किसी चीज के बारे में उसकी तलब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो दुआ मांगना जब शुरू करता है तो उसकी दुआ में खुशु व खजू बहुत होता है वो पूरी तरह डूब के दुआ मांगता है लेकिन वही दुआ और वही ख्वाहिश जो इतनी शिदत इख्तियार किए हुए है दुआ मांगते उसे चार पांच दिन हो जाते हैं तो फिर उसकी दुआ में वो खुशबू खजूर रहता नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मकैनिकल एक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जुबान दुआ मांगती है बस जहन कहीं और होता है दिल कहीं और फिर एक वक्त आता है कि ख्वाहिश तो अपनी जगह होती है लेकिन दुआ उस चीज की मांगना बंद कर देता है इंसान। वो दुआ इंसान भूलता नहीं क्योंकि जिंदा है हकीकत वो हकीकत दुआ कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई होती है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसकी दुआ करता रहता है तो एक आदमी दुआ मांगते हुए छोड़ चुका उस दुआ को कि मेरा तो काम ही नहीं होता सडनली महीने डेढ़ महीने के बाद उसके अंदर एक अजीब इतमान खुद ब खुद पैदा होता है कि मेरा ये काम हो जाएगा ये उस सबकॉन्शियस माइंड की दुआ मांगने के नतीजे में जब दुआ कबूल हुई तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतमान हो सकता है और हम कहते हैं कि दिल को इतमान या इसी तरह जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो पहली मर्तबा में जब दुआ मांगकर हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून होता है एक यकीन होता है कि मेरी दुआ पूरी हो गई तो ये एक इंडिकेशन है कि दुआ पूरी हो गई क्योंकि दुआ दुआ के भी तो तीन लेवल हैं रब ताला दुआ सुनने वाला कुरान ने कहा कि रब ताला दुआएं सुनने वाला है कुरान ही में रब ने फरमाया कि तुम्हारा रब दुआएं कबूल करने वाला है और तीसरी चीज है दुआओं का पूरा होना तो दुआ रब ताला फौरन सुन लेता है रफताला दुआएं फौरन कबूल कर लेता है लेकिन रफ्ताला इस पूरी कायनात को रन करता है उसका हुक्म इस कायनात को रन कर रहा है वो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस पर कायम है होता यह है कि हमारी कोई दुआ फॉर पूरी नहीं होती सुन ली जाती है कबूल कर ली जाती है पूरी होने में वक्त लगता है कि वो जो पूरे कायनात का निजाम काम कायम कर रहा है उसकी सही स्लॉट में उस दुआ को पूरा होना है जाके तो वो थोड़ा सा वक्त लग जाता है ज्यादा वक्त लग जाता है एक साहब को मेरे बारे में बहुत ही खुशफहमी पैदा हो गई बहुत बड़े पाकिस्तान में ऊपर के जो दो चार छहे हैं उन पर थे तो मैं टूर से वापस आया तो पता चला कि वो बार बार घर गाड़ी भेज रहे हैं कि शाह ये डिनर है इस पर आ जाए तो मैं सीधा उनके घर चला गया जुआर में तो खाने के दौरान शदीद खुश फहमी का शिकार थे अल्लाह फहमी भी थी खुशफहमी भी थी उनको नादानी थी उनकी तो मुझे कहने लगे कि सर मुझे पोते की बड़ी ख्वाहिश है आप दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे पोता अता करे तो मुझे अल्लाह ऐसा मौका दे कि चलिए कोई एक तो बंदा ऐसा है जो अपनी सादगी में ये समझ रहा है कि मैं कोई नेक इंसान हूं मेरी दुआ से कोई काम हो जाएगा तो मैंने भी गर्दन अकड़ाई मूछों को तो दिया और बड़ा अकड़ कर कहा कि आपके दो बेटे हैं उनमें जो छोटा बेटा है उसके यहां अल्लाह एक ही बेटा आता करेगा तो उन्हें कह बड़े को तो मैंने कहा बड़े को अल्लाह होता है बेटा नहीं देगा उन्होंने कहा चलिए एक ही सही खुश हो गए चले गए तो मैंने बढ़िया बड़े फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ा के उधर लोगों को देखा के लोगों ने सुना नहीं सुना के मुझसे दुआ कराई उन्होंने ये उन्नीस सौ नब्बे की बात है वो साहब रिटायर हो गए बात आई गई हो गई 2009 में यहां दुआ का सिलसिला चल रहा था तो वो मिठाई लेके बजाते चले आ रहे। तो बहुत हुए हुए हैं तो मैंने उनसे कहा कि ये कि किस चीज की मिठाई है तो कहने लगे कि आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मेरे छोटे बेटे को आज बेटा कर दिया तो मैंने सोचा कि आपने दुआ की थी मैं आपको मिठाई दिया तो मेरी बहुत मेहरबानी आपकी आपने मिठाई दी बाहर दे दें लोग खा लेंगे आपको और सब आप पहुंचेगा लेकिन जरा ये तो बताइए कि इन उन्नीस सालों में मुझे गालियां कितनी दी कि बेटा नहीं हो रहा तो ये मजाक से मैंने कह दिया बात यह है कि दुआ पूरी बाज का उन्नीस साल के बाद दुआ रब ताला ने पूरी कर दी अब और बात है कि उन्नीस सालों में उन्होंने मुझे ना जाने क्या क्या कहा क्या क्या कहा होगा तो दुआएं पूरी होने में वक्त लग जाता है लंबा वक्त लगता है अब एक और दुआ मैंने कोई चार हफ्ते पहले किसी के लिए कर दी वह सादा लोग हैं जो धोखा खा जाते हैं मेरे मुझसे कि कोई नेक इंसान है तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत दुआ कराई जिसके मुझे खुशी भी हुई मैं कहा कि हजूर जहां मैं रहता हूं वहां जिस चारपाई पे मैं सोता हूं उसमें खटमल बहुत है दुआ कर दीजिए खटमल भाग जाए अब देखिए खटमल कब वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं तो वो दुआ की बात हो रही थी कि दुआ के पूरे होने में वक्त लगता है तो जब ये इत्मीनान दिल में आ जाए कि मेरी दुआ सुन ली गई तो फिर इंसान को आराम से बैठ जाना चाहिए कि वक्त आने पर रब ताला मेरा काम कर देगा ये वो जो सुकून दिल में पैदा होता है वो निशानी है कि दुआ कबूल हो गई इन्हीं साब पे एक सवाल है कि आपने कहा था कि जब मुरीद की ट्रेनिंग हो जाती है और उसे इल्मा कर दिया जाता है तो मुर्शिद उसे नहीं मिलता अगर किसी महफिल में मिले तो बाउत मिलेगा भी या नहीं मेरा नहीं ख्याल के ऐसा क्यों है मुरीद अपने मुर्शद से दूर कैसे रह सकता है ये तो बहुत तकलीफ दे और ये सजा क्यों मेरा नहीं ख्याल के मैंने आप ऐसी बात कही बड़ी अजीब बात है कि मुर्शद अपने मुरीद की ट्रेनिंग कर रहा है और वो ट्रेनिंग सालों पर मोहित है दो चार साल में तो होती नहीं वो तो एक लंबा टाइम है नौ मील थर्टी थर्टी फाइव ईयरस वो लग जाते हैं उसमें तो मुरीद तो उसके करीब होगा तो उसकी ट्रेनिंग होगी तो ये कैसे नहीं मिलेगा मुर्शद अपने मुरीद को अगर मिलेगा नहीं तो ट्रेनिंग नहीं होगी शायद बात को समझ नहीं पाए मालूम नहीं मैंने क्या कहा होगा जिससे उनको ये गलतफहमी हो गई अब अच्छा नहीं मैं मुझे ख्याल आ गया कि गलतफहमी कहां से हुई जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था तो मैंने सिलसिले चिश्तिया सिस्... साबरिया की का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ सिलसिले में ये दस्तूर चला आ रहा है कि जिसको खलाफत अता होती है मुर्शिद के इंतकाल के वक्त वो वहां मौजूद नहीं होता मुर्शिद के इंतकाल के फौरन बाद वो वहां पहुंच जाता है और कफन दफन हमेशा खल, खलीफा ही के हाथों होता है यह मैंने कहा था उससे शायद समझने में कुछ गलती हो गई ये अगला इनका सवाल है कि मुरीद हमेशा मुर्शद की नजर में रहता है मुरीद अगर कभी कुछ ऐसा करे जिसको चाहे कि मुर्शद को इसका इल्म ना हो तब भी मुर्शद को पता चल जाता है क्या ये सब बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रब है जिसको हर चीज का हर वक्त इल्म रहता है इंसान खा किसी मकाम पर जा पहुंचा हो उसको ये मर्तबा हासिल नहीं हो सकता कि वो हर वक्त किसी के अहवाल से खबर खबरदार रहे हाँ उसको इतला अल्लाह दे, दे देता है बशर्ते के कि मुर्शद अपने उस मुरीद की तरह तोजो करे तो जब वो तोजो करेंगे उधर को तो उस, उनको अपने इल्म के जरिए से ये पता चल जाएगा और बात पिछली गुजरी हुई बातें भी उनके सामने कश के जरिए आ जाती हैं आमतौर पर होता क्या है कि मुझसे अगर एक गलती हो गई और मुर्शे साहब ने मेरी तरफ तो तो जो फरमाई कि ये बहुत दिन से आया नहीं किधर गायब है तो कश में उनको पता ये चला कि जनाब शाह साहब जो हैं वो फला हलवाई की दुकान से परफी की एक डली उठा के बगैर इजाजत के खा गए तो ये उनके इल्म में आ गई बात तो चूंकि ये मेरे मुर्शद की ट्रेनिंग की तालीम और उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ है बात तो जब मैं मिलूंगा तो मेरी सर्जनिश हो जाएगी फौरन हो सकता है इससे बड़ा जुर्म मैंने किया हो उधर तो जो नहीं दी मुर्शद साहब ने उनके इलम में आई नहीं बात तो उसका जिक्र नहीं करेंगे लेकिन ये चोरी की बर्फी का जिक्र कर देंगे कि तुमने ये हरकत क्यों की थी तो ये डिपेंड करता है कि मुर्शद की तो जो उधर को हुई तो उसका अहवाल खोल दिए अल्लाह ने उन पर अल्लाह ने खोल दिए खुद नहीं वो जान पाते अल्लाह है जो उन्हें बता देता है तो कोई मुर्शद हो उसका इल्म महदूद है उस हद तक जिस हद तक रब उस, उन्हें देना चाहता है तो हर चीज का हर वक्त इल्म होना ये तो सिर्फ ताला की खूबी है उसके में से एक वर्चू है कि वो अलीमुल खबीर है कोई इंसान उस मकाम को नहीं जा सकता ये सवाल पूछा कि कितना कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसका शुमार कसरत में होगा मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं अपने मुर्शद के हुक्म से दिल नशी अंदाज में कुरान पाक पढ़ सकूं। देखिए इंसान पर अल्लाह बहुत सी चीजें फर्ज की हैं उनमें हकूक अल्लाह भी है और बात भी हैं जहां हम फेल करते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अपना फर्ज जो अल्लाह ने हम पर फर्ज किया उसको पूरा करने में हम फेल हो जाते हैं सम रीजन तो उसकी जवाबदेही हमें करनी है सबको वैसे इतने इंसान के अगर मेरे मां बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत मुझ पर फर्ज है मेरी फैमिली है इमीडिएट फैमिली वाइफ है बच्चे हैं अपनी वाइफ को पूरी तरह से लुक आफ्टर करना उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना उनके आराम का ख्याल रखना उनको इज्जत देना और इज्जत दिलाना वो सब मेरी ड्यूटी है जिसके लिए मुझसे जवाब तलबी हो जाएगी अपने बच्चों की जरूरियात का ख्याल करना बिन मांगे उन जरूरियात को पूरा करना उनकी अच्छी और तरबियत करना उनकी शादियां अपने इल्म की हद तक अच्छे लोगों में कर देना ये सब मुझ पर फर्ज हैं अगर मैं उसमें फेल कर जाऊंगा तो मैं आंसरेबल हूँ अल्लाह ताला को।, को भी आंसरेबल हूं बात रब की ज्यादा है मेरे बहन भाई हैं रिश्तेदार हैं उनके जो हकूक मुझ पर हैं मैं उन हकूक को अदा करने के लिए आंसरेबल हूं अल्लाह ताला को। फेल दे तो जब मैं अपने फराइज इसी तरह मुझे वक्त पर नमाजें पढ़ना है पांच और जो मुझ पर फर्ज किए गए हैं रोजा जकात हज ये सब मुझे करनी है मैं अगर इनमें फेल कर जाऊंगा तो मैं आंसरेबल हूं अल्लाह को गुनागार भी हूं अगर ये तमाम ड्यूटीज पूरी करने के बाद जो मेरा वक्त है इल का हसूल मुझ पर फर्ज है ये हदीस है हर मुसलमान औरत और मर्द पर इल्म का हसूल फर्ज है मुझे वो इल्म भी हासिल करना है और वो इल्म कई हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उनके जरिए से हासिल होता है तो ये सब कुछ करने के बाद जो मेरा वक्त बचता है अगर मैं उसको याद इलाही में सर्व कर दू तो मेरे वक्त का बेहतरीन मशरफ होगा वो द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ माई टाइम कुरान पाक की तलावत बहुत फजीलत रखती है मैंने यहां एक मरतबा से जायद मरतबा यह अर्ज किया कि जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत आपने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा रब ताला से यही अर्ज की थी कि या बारी ताला मुझे अपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दे तो रब ने अपनी जुबान मुबारक से यह इर्शाद फरमाया कि फिर कुरान पाक कसरत से पढ़ा करो इसकी फजीलत यह है तो जितना हमारे पास टाइम स्पेयर होता है अपनी ड्यूटीज पूरी करने के बाद उसको अगर हम तलावते कलाम पाक में सर्व कर दें हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो धक्ति सूरतें याद है हम तलावत करते रहे सवाल की कि जनाब हजरत सरकार सैदाहन अली अहमद साबिर साहब की नमाज जनाजा किस शख्सियत ने पढ़ाई थी ये आपके खलीफा थे एक ही थे जनाब शम्स तुर्क पानीपति शम्स उनका नाम था क्योंकि कौमियत के लिहाज से तुर्क थे तो उनके नाम का हिस्सा बन गया शम्स तुर्क और दफन है पानीपत में तो उसने पानीपति उनके नाम के साथ लग गया तो ये खलीफा थे जनाब सरकार से दिलाउद्दीन अहमद साबिर साहब के शम्स तुर्क पानीपति उन्होंने पढ़ाई थी सवाल किया है कि इंसान का दुनिया में आने का प्राइमरी मकसद क्या है अगर इबादत करना मकसद है तो उसके लिए फरिश्ते चरिंद परिंद पौधे ही काफी थे अगर बच्चे पैदा करना मकसद है तो उसके लिए जानवर काफ़ी थे तो क्या फिर बुनियादी मकसद है? हयात इंसान का औरत के लिए सिर्फ घर में काम कर काज करना और मर्द का नौकरी या कारोबार करना मकसद हयात है ऐसा नहीं है रब्ताला ने क्लियरली फरमाया कि मैंने इंसानों को और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया अब इबादत के आगे बहुत से मायने हैं इबादत लफ्ज अबद से निकला है ये अलिफ वाला अबद नहीं एन अबद जिसका मतलब उर्दू में बंदगी है तो अल्लाह जिस तरह से हमें जिंदगी का बताया कि इस तरह जिंदगी गुजारी जाए जब हम अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चल के जिंदगी गुजारते हैं तो सबकी सब, सब जिंदगी वो इबादत बन जाएगी इसलिए कहा कि मोमिन का सोना भी इबादत है इसलिए कि रफ्तारा ने रात आराम के लिए बनाई है वहां भी जो शख्स जो मुसलमान रात को आराम कर रहा है अगले दिन की मेहनत के लिए तैयारी करने के लिए वो हुकम मान रहा है रब की रब का कि रब ने रात आराम के लिए बनाई है तो वो बंदगी है उसकी वो हुक्म भी मान रहा है इसीलिए उसको सोने को इबादत कहा गया है तो इबादत उन मायनों में है कि जो कुछ जिंदगी का रास्ता कुरान पाक में रब ताला ने बता दिया इंसान को या आप अलैहि वसल्लम ने समझाया वो उस रास्ते पर चलना ही इबादत है असल में ये तो वो मकसद है वैसे यहां मैंने एक बार अर्ज किया था कि जब कुछ नहीं था सिर्फ रब था और उसके फरिश्ते थे तो रब ने चाहा कि मैं कोई ऐसी मखलूक तख़लीक करूं जो मेरी जात का मजहर हो जिससे ये पता चल सके कि रब कैसा है तो रब ताला ने फिर इंसान को बनाया इसीलिए अल्लाह ताला के जो वर्चुज हैं मांसवाय रब के रब होने के वर्चू के ये भी एक वर्चु है रब होना पालने वाला या उसका जाति नाम है अल्लाह इसका वर्चू इसका परतों अक्स वो इंसान में नहीं है लेकिन बाकी सारे जो सिफात हम सिफाती नाम पढ़ते हैं उनका एक अक्स इंसान के अंदर दिखाई देता है कि इंसान बक वक्त जुल्म भी करता है गुस्सा भी उसको आता है सजा भी देता है रहम दिल भी होता है इंसान दूसरों के काम भी आता है दूसरों का मददगार भी है मुआफ भी कर देता है ये सब वर्चूज हैं उसका एक अक्स है तो वो जो रब ने चाहा कि मैं ऐसी मखलूक तख़लीक करूं जो जिससे ये जाना जा सके कि मैं कैसा हूं तो उसने इंसान को तख़लीक किया और उस इंसान को अपना नाइप बना के जमीन पे उतार दिया उसके बाद रब ने अपने तमाम रसूलों और पैगम्बरों और नबियों के जरिए इंसान को सही रास्ते पर चलाए रखने के लिए बार बार रिमाइंडर दिए हैं सहीफों की सूरत में आसमान आसमानी किताबों की सूरत में और बिल आखिर कुरान पाक वहां अल्लाह ने अपना दीन अपने अहकाम मुकमल कर दिए और वो ताक क्यामत उसको कायम कर दिया ये मकसद है इंसान की जिंदगी का आपने चरिंद परिंद और पौधों की बात की उनके पास अकल नहीं है वो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते किसी चीज पर क्योंकि रब ने इंसान को अपना नाइफ बनाया तो इसको इख्तियारत भी सौंपे इसको ये इख्तियार दे दिया कि जो राह चाहे वो अपना ले, लेकिन साथ ये बता दिया कि ये राह सीधी है इसको अपनाओगे तो इनाम मिलेगा तो इंसानों में और चरिंद परिंद में और दूसरी मखलूक में यही एक फर्क फर्क है हती कि इसे फरिश्तों से भी बुलंद मकाम दिया इंसान को इसलिए कि फरिश्ते सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं, और रब तला की बंदगी सिर्फ इंसान उस सेंस में करता है जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ अकल है, ऑप्शन मौजूद है इख्तियार मौजूद है दूसरी राहों पर चले जाने का उसके बावजूद वो रब तला की अहकाम की पाबंदी जब करता है तो वो इनाम पाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी चुनम परिंद जमा नबातात, इन सब से अफजल है इंसान इसी एंगल से दूसरा सवाल यह है कि जज्बात और तो एहसास दूसरों के लिए एक हद से तजावज कर जाएं, तो ये कैसा है कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग इसको पागलपन का नाम देते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात की जाए बस क्या इस मुशरे में कामयाब होने के लिए बेहिस होना जरूरी है देखिए बेहिस होना खूबी नहीं बहुत बड़ी खराबी है दूसरों का एहसास होना यह इंसान की एक बड़ी खूबियों बड़ी खूबियों में से एक खूबी है अल्लाह ताला ने इंसान में जज्बात रखे हैं और जज्बात रहमत है अल्लाह की लेकिन साथ ही अल्लाह ने एक चीज यह फरमा दी उसके रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमा दी कि इस्लाम एतदाल का रास्ता है इस्लाम में एक्सट्रीम्स को दखल नहीं है उसको कंडेम करता है इस्लाम एतदाल की तलकीन करता है तो जज्बात और को और एहसास को इतदाल में रखा जाए एक्सट्रीम्स पर न जाया जाए तो ये बहुत ही पसंदीदा चीज है लेकिन इंसान अगर अपने जज्बात और एहसास में एक्सट्रीम पर चला जाए तो वही मबा चीज बुराई बन जाएगी इंसान को अपने जज्बात और एहसास में एहताल में रहना चाहिए बाकी सवाल के जवाब ताला अगली इतवार बशरते जिंदगी उस तक के उस वक्त के लिए इजाज़ दीजिए वालेकुम